सुनिए, जिस ओबीसी की जो नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं उनकी जाति को पता कीजिएगा। 2003 जब मुख्यमंत्री नहीं थे वो किस जाति से आते हैं पता है? मोद बनिया जाति, जिस जाति से अंबानी है, जिस जाति से अडानी है, उसी जाति से आते हैं। उन्होंने जब मुख्यमंत्री बनाया अपने सत्ता की ताकत के बल पे अपनी जाति को ओबीसी में करवाने का काम किया। और आज ओबीसी की बात करते, अगर असली ओबीसी होते तो इस कमेरा समाज की बात को सुनते, अगर असली ओबीसी होते हमारे युवाओं की बात सुनते। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। सबसे पहले आपको नजारा दिखा देती हूं, मेरे चारों ओर किसान आपको दिख रहे होंगे बड़ी संख्या में। किसानों का यह प्रदर्शन सुबह से चालू है, नोएडा में इस वक्त मौजूद है और नोएडा से ये दिल्ली की ओर कूच करना चाहते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इनको रोक लिया और डिटेन भी कर लिया। काफी किसानों को, जो यहाँ के नेता है उनको भी डिटेन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनका कहना है कि हम आगे बढ़कर जाएंगे। ऐसे में ये व्यक्ति है सुमित, इनका नाम है, और ये समर्थन देने आए हैं किसानों को। आमतौर पर आप हर मुद्दे पर बात करते रहे, किसानों का कहना है क्या कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, चर्चा कर लेते हैं। सुमित, सबसे पहले कि समर्थन देने क्यों आए हैं? समर्थन देने इसलिए आए कि जिस तरह से तमाम जो वर्ग हैं उनके साथ अन्याय हो रही है, जिस तरह से राहुल गांधी जी भी पूरे भारत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से इन तमाम लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं और जगाने का काम कर रहे हैं देश के तमाम लोगों के, उसी समर्थन में ये किसान समुदाय, जिस समुदाय के मद्देनजर पूरा भारत चलता है, आज उन्हीं किसान समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है, तो मेरा एक नागरिक के तौर पर कर्तव्य बनता है कि इनका समर्थन देने के लिए आना पड़ेगा। जिस तरह से भारत जोड़ो या राहुल गांधी जी और ये तमाम किसान, उनके लिए यही बात करूँगा, एक तमाम जो लोग हैं ये किसान और कमेरा समुदाय के लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने अनाज और अन्न और धन और धरती पे डिपेंड रहते हैं, और लेकिन आज उन्हीं धरती को छीना जा रहा है, उनके अनाज को छीना जा रहा है, उनके जो हक और अधिकार को छीना जा रहा है, तो आज हम लोग मजबूर हैं कि यहाँ सड़क पर आने को मजबूर है और सदन घेराव करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सदन घेराव को इन्होंने अलाउ नहीं किया। अनुमति क्यों दी जाए, एक बात बताइए। वो कह रहे हैं कि धारा 144 लागू है दिल्ली के अंदर, कैसे कुछ करने दिया जाए? सुनिए, धारा 144 की बात कर रहे हैं, उन्हें जब धारा 144 की याद आती है जब किसान सड़क पे आता है, उन्हें जब 144 की धारा की बात आती है जब युवा रोजगार की बात करता है, जब उन्हें धारा 144 की याद आती है तब महिला अपने सशक्तिकरण की बात करती है, जब उन्हें धारा 144 की याद आती है जब वो सदन की गरिमा की बात करते हैं। आज ये महिला बैठी हुई है, ये महिला घरेलू महिला है जिनकी रोजमर्रा कहीं ना कहीं इनके घरेलू खाद्य सामग्री पे चलता है, जहाँ से ये घर चलाती है और भारत देश को चलाती है, दुनिया को चलाने का काम करती है। आप ये बताइए, जब इन घर की घरेलू महिलाओं को भी आप सड़क पे आने को मजबूर कर दिया है तो देश को किस ओर लेकर गए हैं? आप तो सदन के अंदर क्या कहते हैं कि हम तो महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम करते हैं, आप रैली में जाते हैं, जो हमारी बहन और बेटी है उनको रैली के अंदर पैर धोने का काम करते हैं, और बात जब रैली से चले जाते हैं तो उन्हीं बहन और बेटी का शोषण करने का काम करते हैं, उन्हीं किसानों का शोषण करने का काम करते हैं, और बात आज हम तो शांतिपूर्वक, ये किसान समुदाय शांतिपूर्वक सड़क पर बैठकर अपना आवाज़ दे रहे थे सरकार को और सरकार के प्रतिनिधित्व को, लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने आपने देखा होगा डंडा बरसाने का काम किया, इन्होंने क्या करा, महिलाओं को शोषण करने का, महिलाओं पर डंडा बरसाने का काम किया। कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं है यहाँ पे, महिला पुलिसकर्मी नहीं है, लेकिन पुलिसकर्मी के द्वारा महिलाओं पर लाठी डंडा चार्ज किया जा रहा है, क्या ये कहाँ का न्याय है? ये देश के लिए अन्याय नहीं है क्या? ये हम लोगों के लिए अन्याय नहीं है क्या? ये सीधे तौर पर समझ लो, आप कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, यहाँ किसान जितने मौजूद है सब कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, लेकिन न्याय करेगा कौन? कौन ऐसा नेता है जो किसानों के साथ न्याय कर सके? सुनिए, नेताओं की बात, कौन नेताओं की बात कर रहे हैं? देश के अंदर तमाम नेता अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से लोगों में, जयंत चौधरी देख लीजिए आप, हर घर जाके किसानों की आवाज़ के लिए जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, न्याय के लिए यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कर रहे हैं, हर तबके के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि आपको धार्मिक भावनाओं में नहीं खोना है, धार्मिक भावना एक अलग चीज़ है और आपकी जो समस्या, आपकी जो बुनियादी मुद्दा है वो अलग चीज़ है। आप रोजगार के लिए बात करिए, आप शिक्षा के लिए बात कीजिए, आप अपने धन और धरती की बात कीजिए, आप अपनी आवाज़ के लिए बात कीजिए, लेकिन आप इन्हीं जो तमाम जो महिलाएँ, इनके बच्चों का शिक्षा, स्कूल और कॉलेज छीना जा रहा है, इन्हीं महिला और बच्चे हैं इन्हें हम जैसे जमीन छीने जा रहे हैं, कहाँ रहने को, तो घर छीना गया, घर तोड़े जा रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं प्रधानमंत्री आवासीय योजना की बात करते हैं और दूसरी तरफ तमाम जो आम जन है उसके घर तोड़ने का काम करते हैं, तो कहाँ की न्याय की बात है? आप न्याय की बात, और कल भी देख रहा था मैं, आप उन्होंने भाषण दे रहे थे, 2 घंटे के भाषण में एक बार भी देश के लिए बात नहीं किया, बस बात किया इन्होंने जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। अरे भाई, तुम्हें इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बात के लिए नहीं चुना गया है, तुम्हें देश के लिए चुना गया है, देश की न्यायिक संगत के लिए चुना गया है। अगर आपको चुना
गया है ना, तो देश के विजनरी और मिशनरी के लिए चुना गया है। लेकिन आप लोग तमाम लोग इन तमाम मुद्दे को कहीं ना कहीं भटकाने का काम करते हैं और हम जैसे लोगों को भावनाओं के साथ खेलने का काम करते हैं, जो देश कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज आज बताइए, चुनाव नज़दीक है, चुनाव नज़दीक है, किसान अपनी आवाज़ को रख रहा है सदन के अंदर, लेकिन उस सदन के प्रतिनिधित्व जो नेता हैं वो सुनने को तैयार नहीं है हम लोगों को। आप बताइए, तो इन बता देना चाहता हूँ इस सरकार को, इस भारतीय जनता पार्टी के आका को बता देना चाहता हूँ, ये वही किसान है जो सरकार बनाता भी है और सरकार गिराता भी है। और सरकार गिराने का काम हम 2 महीने के अंदर आपको दिखा देंगे, इसी अंगूठे के माध्यम से, इसी वोट की ताकत के माध्यम से। और किसान एकता जिंदाबाद रहेगा हमेशा के लिए। किसानों ने देश को हमेशा ऊंचा सिर करने का काम किया है, मान और सम्मान। बोल रहे हैं कि किसान सरकार बना भी देता और झुका भी देता, यानी कि सरकार को घुटनों के बल पर लाते हुए हमने देखा है आंदोलन के वक्त। लेकिन बार बार किसानों को आंदोलन क्यों करना पड़ता अपनी मांगों को? सुनिए, किसानों को आंदोलन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि किसानों की जो बात है वो कहीं ना कहीं मीडिया के द्वारा सरकार के प्रतिनिधि तक, सदन तक नहीं पहुंच पा रही है। जो किसान के जनप्रतिनिधि को भी इन्होंने डिटेन करने का काम किया, तो कहीं ना कहीं हम लोग की आवाज अगर सदन में नहीं पहुंच रहा है तो हमारा ये सड़क है, सड़क से हम सरकार तक सवाल पहुंचाने का काम करेंगे। यूपी के किसान है और इसी यूपी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा आने वाली है, क्या लगता है कि राहुल गांधी न्याय दिला पाएंगे? बातें तो खूब कर रहे हैं। सुनिए, जो राहुल गांधी जी ने जो जिम्मा उठाया है ना, वो कहीं ना कहीं किसानों हित के लिए, युवाओं हित के लिए, नारी हित के लिए, श्रमिक हित के लिए और कमेरा हित के लिए उन्होंने उठाया। कहने का मतलब वो जो सारे जो शोषित वर्ग हैं उनकी आवाज़ के लिए राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं न्याय यात्रा के माध्यम से लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। और उसका फ़ायदा हमें और आपको नहीं, इन तमाम किसान समुदाय के लोग हैं उन सबको फ़ायदा होगा। क्योंकि हमें, हम लोग क्या है, आज तक जो जनता जो है कहीं ना कहीं कुछ मीडिया के मद्देनज़र उन्होंने धार्मिक भावनाओं में खो गए। हमें धार्मिक भावनाओं में नहीं जाना है, हमें मुद्दे पे रहना है और मुद्दे की ही बात करनी है। हमारे साथ जो शोषण किया जा रहा है उनकी ही बात करनी है, और मैं शोषण की ही बात कर रहा हूँ इसलिए हम लोग यहाँ सड़क पे बैठे हुए हैं। चाहे हमें जेल में डाल दो, अंग्रेजों ने जिस तरह से हमें जेल में डालने का काम किया था, तब भी हमने अंग्रेजों को भगा दिया, तो हम इन अंग्रेजों को भी भगाने का काम करेंगे, इन संग्रेजों को भी भगाने का काम करेंगे इस सत्ता के गलियारे से। एक तरफ तो किसान सड़कों पर है, एक तरफ प्रधानमंत्री संसद के अंदर भाषण दे रहे थे, मैंने सुन रही, एक के बाद एक बार कांग्रेस पार्टी पर कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं, मैं नारा दे रहा हूं सबके साथ सबके विकास का। सुनिए, जिस ओबीसी की जो नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं उनकी जाति को पता कीजिएगा, 2003 जब मुख्यमंत्री नहीं थे वो किस जाति से आते हैं पता है? मोद बनिया जाति, जिस जाति से अंबानी है, जिस जाति से अडानी है, उसी जाति से आते। उन्होंने जब मुख्यमंत्री बनाया अपने सत्ता की ताकत के बल पे अपनी जाति को ओबीसी में करवाने का काम किया। और आज ओबीसी की बात करते, अगर असली ओबीसी होते तो इस कमेरा समाज की बात को सुनते, अगर असली ओबीसी होते हमारे युवाओं की बात सुनते, अगर ओबीसी होते जो सार्वजनिक संस्थान पर डिपेंड है उनकी बातों को सुनते, उनको रोजगार देने का काम करते। लेकिन नहीं सुनेंगे वो, किसान समुदाय की नहीं सुनेंगे, वो सामंती लोग ही है और सामंती की ही बात सुनेंगे।